प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को केवड़िया रेलवे लाइन का ई लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे देश के विभिन्न भागों से गुजरात के केवड़िया जाने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर विदा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी गुजरात से जुड़ी और कई रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पहले ये आयोजन 16 जनवरी को प्रस्तावित था। लोकार्पण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर 10 लघु फिल्में भी दिखाई जाएगी। 11:20 पर लोकार्पण होगा। देश के पहले ग्रीन बिल्डिंग रेलवे स्टेशन केवड़िया के ई लोकार्पण अवसर पर केवड़िया में राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ रेलवे मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। पीएम मोदी ब्रॉडगेज लाइन और डभोई चाणौद और केवड़िया के रेलवे स्टेशन के नए भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएमओ ने कहा है कि इन रेलवे स्टेशन की इमारतों को स्थानीय विशेषताओं को शामिल करते हुए खूबसूरत ढंग से डिजाइन किया गया है, साथ ही में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं को भी उपलब्ध करवाया गया है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन वाला केवड़िया देश का पहला रेलवे स्टेशन है। प्रधानमंत्री जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे वो केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जुड़ेगी। आपको बता दें, केवड़िया में देश के पहले गृह मंत्री और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।